चार धाम यात्रा पर जाना कई लोगों का सपना होगा। अमूमन जो लोग चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान बनाते हैं, वे या तो ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या फ्लाइट से नियरेस्ट एयरपोर्ट पर जाते हैं। गौरतलब है कि चार धाम यात्रा में मुख्य चार मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं, जिनमें गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं। लेकिन एक शख्स जिसकी आस्था ऐसी कि देखने सुनने वाले हैरान रह जाएं, बिहार के एक 24 वर्षीय शख्स ने कार, बस या ट्रेन से नहीं बल्कि साइकिल से चार धाम यात्रा की है। सुनने पर यकीन बेशक ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अपनी अटूट हिम्मत का परिचय देते हुए जमुई जिले के झाझा के रहने वाले प्रीतम राजहंस ने लगभग 2 महीने तक साइकिल चलाई और चार धामों की मुश्किल यात्रा पूरी की। आत्मविश्वास से भरे प्रीतम ने भक्ति और आस्था की मिसाल पेश करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लोगों को दिया है। बता दें कि उन्होंने 5 मई को अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार से की थी, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया और फिर उत्तराखंड पहुंचे। ये पूरा सफर उन्होंने साइकिल पर ही तय किया है। उन्होंने दर्शन करने के बाद वापसी भी साइकिल से ही की। वो 1 जुलाई को अपने घर वापस लौटे थे। इस दौरान प्रीतम ने साइकिल से ही गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा की। सभी को बोलते हैं हर हर महादेव। और मेरा यात्रा केदार चारों धाम उत्तराखंड का किए और साइकिल से इसलिए किए, पर्यावरण का भी एक मैसेज देना था, जो पर्यावरण संरक्षण कीजिए, हर जन्म दिन में एक पेड़ लगाइए। और बाबा का महिमा था जो हम सही सलामत। आपने यात्रा शुरू की और कहाँ कहाँ गया? हम 5 मई को यात्रा स्टार्ट किए थे झाझा से और हम 5 जून को पहुँच गए थे केदारनाथ। और हम दर्शन किए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या में भी दर्शन किए। 56 दिनों के बाद वे जमुई वापस लौटे हैं। प्रीतम का कहना है कि उन्होंने पिछले साल केदारनाथ धाम जाने का मन बनाया था और तभी सोचा था कि कुछ अलग किया जाए। उनके परिजनों ने उन्हें ट्रेन से जाने के लिए कहा था, लेकिन प्रीतम ने ठान लिया था कि वे कुछ अलग करेंगे। इसके बाद उन्होंने साइकिल से यात्रा करने का प्लान बनाया। मई में पड़ने वाली भीषण गर्मी के वक्त उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें रास्ते में कहीं किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। प्रीतम से मिली जानकारी के मुताबिक उनके सफर के दौरान उन्होंने मसूरी में 7000 फीट की चढ़ाई साइकिल से ही पूरी की। उन्होंने हर दिन लगभग 45 से 60 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। प्रीतम का मानना है कि प्रकृति को बचाने के लिए और जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है और ऐसा हर किसी को करना चाहिए। इसके अलावा वे कहते हैं कि जो पेड़ पहले से ही लगे हुए हैं उनका संरक्षण भी जरूरी है। यकीनन ये यात्रा प्रीतम के लिए मुश्किल भरी तो रही होगी, लेकिन उनकी हिम्मत आज कई लोगों के लिए मिसाल बन गई है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।